इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस के बारे में। वायरस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वायरस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वायरस का लाइफ स्पैन क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वायरस कैसे काम करता है शरीर में घुसने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वायरस के इलाज के बारे में कुछ बातें, फिर मैं आपको बताऊंगा वायरस के बारे में कुछ फैक्ट्स। ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को आगे देखने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो, लेट्स क्वेश्चन इट। वायरस क्या है? वायरस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको अपनी इन आँखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है। वायरस सब माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप लगा कर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तब भी हम उसको नहीं देख पाएंगे, वो इतना छोटा होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। तो अब हम उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, जो कंटेन करता है आरएनए और डीएनए। वो आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। और इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर होता है प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ कोट, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। तो बस यही है इसका स्ट्रक्चर, ये बस इतना सा ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारा वायरस। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वायरस के लाइफ स्पैन के बारे में, यानी उसकी लाइफ के बारे में। तो वायरस जिंदा रह सकता है सिर्फ तीन चीज़ों के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब तक वायरस इन तीनों के बाहर है, जब तक वो मरा हुआ है एक तरह से, मतलब जिंदा नहीं है, मरा ही हुआ है, बस एक लाश की तरह पड़ा हुआ है बाहर, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इन तीनों में से किसी एक के अंदर घुसा, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटर करेगा, तो वो क्या जिंदा हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जाग जाएगा, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद वो अपना काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये क्या है, इसका लाइफ स्पैन है। जब तक इन तीनों के बाहर रहेगा, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब तक मरा हुआ है, और इन तीनों में से किसी के अंदर आ गया तो जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके काम पर। अब बात करते हैं वायरस के काम के बारे में, ठीक है। तो इसको अपना काम करने के लिए सेल चाहिए, सेल के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब सेल से बने हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये इन तीनों में से किसी एक के अंदर एंटर करेगा, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले वायरस जाने की कोशिश करेगा सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर ये जैसे ही एंटर करेगा, ये सेल को एक तरह से हैक कर लेगा, ठीक है, मतलब उसको पूरा अपने कब्जे में कर लेगा, उसके अंदर अपना डीएनए या फिर आरएनए जो भी उसके अंदर होगा उसको उसके अंदर छोड़ देगा सेल के अंदर, और उसको हैक कर लेगा, ठीक है। हैक करने के बाद वो उसको अब काम करवाएगा उससे अपना, ठीक है। उससे क्या करेगा, उसको बोलेगा मेरी कॉपीज़ बना, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़, मतलब वो अकेला है तो हजारों बन जाएंगे, हजारों लाखों और वायरस बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। वो सेल खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वायरस बहुत सारे बना देगा, ठीक है। तो ये इसका काम है, और ऐसे करते करते बहुत सारा वायरस मतलब बन जाएगा शरीर में, तो पूरे बॉडी को ख़त्म कर देता है, ठीक है फिर। तो ये इसका काम है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, ठीक है। तो मैं अब इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में अगर वायरस आ जाता है तो उसका इलाज कैसे करें,
मतलब इलाज क्या होगा, ठीक है। तो जो साइंस है वो अभी तक इसका इलाज नहीं निकाल पाई है। नहीं पता था आपको? तो अब क्या करें, एंटीबायोटिक्स मतलब जो दवाइयाँ होती हैं वो भी वायरस पे काम नहीं करती, अब क्या करें? लेकिन एक तरीका है जिससे हम इसको हरा सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छा कर दिया, तो फिर सुनो। तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना, अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना, ठीक है। जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग आपका इम्यून सिस्टम होगा तो उतना ही आपका अच्छा शरीर होगा और वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाएगा, वायरस से लड़ पाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम है जो उसकी दवाई बना सकता है, ठीक है, हर वायरस की दवाई बना सकता है। इस दुनिया में हर बीमारी की दवाई सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम बना सकता है, ठीक है। तो ये जानकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ वायरस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इस दुनिया का जो सबसे पहला वायरस था वो था ह्यूमन फीवर वायरस, वो येलो फीवर वायरस, ठीक है। उसको डिस्कवर किया था वॉल्टर रीड ने, कौन से साल में? 1901 में, ठीक है। दूसरा फैक्ट, इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस मिमी वायरस, ठीक है। इस दुनिया का सबसे छोटा वायरस सिरको वायरस, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, अब आगे बढ़ते हैं। वायरस के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बैक्टीरियोफेज, कोविड-19, इसको तो आप जानते ही होंगे, कोविड-19, कोरोना, ठीक है। तो और एग्जाम्पल आप गूगल पर देख लेना, वो मेरे को पता नहीं, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको वायरस के बारे में बताने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मैं बोलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट।